हिमांशु यादव मंत्री बीजेपी जिला नजफगढ़ ने दिल्ली के उत्तम नगर हिमालय सागर से लेकर कीरत गार्डन हनुमान मंदिर तक रामनवमी के उपलक्ष में भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया और भंडारे का भी आयोजन किया गया। यात्रा सभी हमारे देश के नागरिकों द्वारा और युवा द्वारा निकाली गई है, इसमें हमें सभी जगह सहयोग किया। अब इसका समापन हो रहा है तेलंगाना में वेलफेयर एसोसिएशन के महाजन जी गुप्ता जी के पूरे एसोसिएशन के साथ हमारे मंदिर का समापन कर रहे हैं। सुबह 11 बजे से ये यात्रा निकली और सर, इस रैली के द्वारा क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, जिस तरह जो नवरात्र आज खत्म है और देखा कि आज पूरे क्षेत्र में आप रैली के द्वारा घूम के आए? देखिए, मैसेज क्लियर है कि जो हमारे धार्मिक जो भी परंपराएं हैं, हमारे धार्मिक जुलूस हैं, उन पर पाबंदी लगाई जाती है और चाहे दूसरा जो मजहब है उसके नाम पर कुछ भी छूट दे दी जाती है, चाहे कोरोना हो चाहे कुछ भी डील दे दी जाती है। तो हम उनको मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमारा जो धर्म है हम उसकी रक्षा करने के लिए और अपने सारे साथियों के साथ यहाँ मौजूद हैं। सर, जिस तरह जो जलसा आज हमने देखा और जिस तरह अगर बात करें दिल्ली के पूर्वांचलों की छठ पूजा की, दिल्ली सरकार उस पर प्रतिबंध लगा रही। देखिए, छठ पूजा पूर्वांचली नहीं पूरे देश की है, वो एक धार्मिक त्यौहार है और जो ये पाबंदी लगाई जा रही है इसका सीधा सीधा केजरीवाल जी तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं, ताकि हमारे जो त्यौहार हैं, हिंदुओं के जो त्यौहार हैं, उन पर बैन लगाया जाता है। दूसरे धार्मिक जो धर्म है उनके त्यौहारों पर चाहे कितने भी कुछ भी पूरा प्रभाव हो देश के अंदर, वो सब खोल दिया जाता है। हम इसके खिलाफ हैं, इसी के लिए हमने ये मैसेज दिया है कि हम अपने जितने भी धार्मिक समारोह हैं उनके मनाएंगे, हमें आज़ादी है, कोई ऐसी सरकार हमें रोक नहीं सकती जो इस तरह की राजनीति करती है। जी जी, गुरु जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो धार्मिक है रैली है और इसमें जो है सबको मिलजुल कर धर्म के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा हमारा धर्म सर्वोपरि, क्योंकि हमारा जो देश है गुरुओं का देश है, इसलिए हमारा देश आज भी गुरु है, कल भी गुरु है और आगे भी गुरु रहेगा। इसलिए सभी से एक बात कहना चाहूँगा कि अपने धर्म से आगे जुड़ कर रहना है और सदा ही जुड़ के रहना है और अपने परिवार को भी जुड़ कर रखना है साथ में। ठीक है, जय। हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर हिंदू सुरक्षित रहें, जीवित रहें, जहाँ पे भी रहें काम करते रहें, अच्छी तरीके से सामने आ गए। हमारे में कमी यही है कि हम एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं, आज हमें एकत्रित करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है और हम चाहते हैं कि हमारे जितने भाई आज एकत्रित हुए हैं हम एक दूसरे के लिए जान से जान लड़ा देंगे, लेकिन हम किसी भी तरीके से अपने देश पे हिंदुस्तान पे आंच नहीं आने देंगे।